नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। हम सब जानते हैं कि श्री अमरनाथ यात्रा इस बार 1 जुलाई से शुरू होने वाली है और पहली बार ये यात्रा 62 दिन की होने वाली है, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी, जिसको लेकर सिर्फ जम्मू कश्मीर से नहीं भारत के अन्य राज्यों और विदेशों से भी लोग इस यात्रा को करने के लिए आते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि इस समय की जो बड़ी अपडेट है वो इस यात्रा से जुड़ी है, यानी कि अब इस बार पहली बार होने जा रहा है कि अमरनाथ की जो यात्रा है इसमें रात में भी यात्रियों को हवाई सेवा उपलब्ध होगी। जी हाँ, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये निर्देश जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि इस बार जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है उसमें जो यात्री आने वाले हैं उन्हें रात्रि में भी ये सुविधा है ये उपलब्ध होगी। और वहीं हम आपको बता दें कि इस बार यात्रा में जो जानवर इस्तेमाल किए जाते थे, खच्चर या पिट्ठू के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे, उनका भी बीमा होगा। पिछली बार की तरह 5 लाख का बीमा हर व्यक्ति का घोषित किया गया था, उसे इस बार फिर से रिपीट किया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि इस समय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, यात्रा में कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के माध्यम से भी देखें तो इस समय सुरक्षा के माध्यम से भी जो तैयारियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ कर दी गई हैं। वहीं भगवती नगर की अगर हम बात करें तो भगवती नगर में भी इस समय तैयारियाँ काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है। जो यात्री श्री अमरनाथ जी की यात्रा को करने के लिए आ रहे हैं उनकी सुविधा, उन्हें कोई असुविधा ना हो, उसको लेकर इंतजाम इस समय प्रशासन जो है पूरी तरह से कर रहा है। फिलहाल ये इस समय की बड़ी अपडेट थी और ये अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की कि इस बार रात्रि में भी जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा है उसमें हवाई सेवा यात्रियों को उपलब्ध होगी। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन साहिल भट्ट के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।